फ्रेंड्स, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई कंपनी अपनी कार लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है C5 Aircross, जिसे सीट्रॉन जिसकी पेरेंट कंपनी PSA ग्रुप है वो इसे इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। एंड PSA ग्रुप जो है वो एक फ्रेंच कंपनी है एंड ये ऑटोमोबाइल कंपनी दुनिया के दूसरी कंट्री में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड नाउ दे आर गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट कार इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम C5 Aircross की पूरी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इन डिटेल इसके इंटरनेशनल डिजाइन एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो वही हम इसके इंजन की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस कार में किन किन टाइप के सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं एंड एट द एंड हम इस कार की लॉन्चिंग डेट, प्राइस और कितने साल की वारंटी पीरियड इस कार के साथ मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये कार किन किन कलर ऑप्शन के साथ आपको उपलब्ध होने वाली है और ये कम्पीट किससे करेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरैन आजाद एंड टेक्नोलॉजी माफिया में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। आइए अब बात करते हैं सीट्रॉन की C5 Aircross SUV कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, C5 Aircross कार को तो इंडिया में नहीं बनाया गया है लेकिन इसे तमिलनाडु में असेंबल किया गया है। दैट मीन्स इसके पार्ट को बाहर से इंपोर्ट किया गया है उसके बाद इंडिया में इसे असेंबल किया गया है। वैसे इस कार को तो 2020 में ही लॉन्च किया जाना था बट ड्यू टू COVID-19 इसे पोस्टपोन करना पड़ा और अब ये कार मार्च में, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ में लॉन्च हो जाएगी। एंड अगर आप इस कार को परचेस करना चाहते हैं तो इसे आप 2 वेरिएंट में परचेस कर सकते हैं जो कि फील एंड शाइन है एंड दोनों ही वेरिएंट आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ मिलने वाला है। अब यहाँ अगर हम बात करें इस कार के एक्सटीरियर के बारे में तो इस कार का जो एक्सटीरियर है दैट इज मच स्पोर्टी एंड गुड लुकिंग। फ्रंट में आपको सबसे ऊपर LED DRL लैंप देखने मिल जाएगा, उससे नीचे देखें तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा। वहीं अगर आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प से बिल्कुल सही नीचे देखें तो वहां पे फॉग लैम्प भी लगाया गया है और अगर आप बैक साइड में देखें तो 4 बॉक्स टाइप ग्राफिक की शक्ल में आपको LED DRL लैम्प भी देखने मिल जाएगा जो कि इस कार को और भी स्पोर्टी बनाता है। C5 Aircross का जो व्हील बेस है वो 2730 mm, वही जो इसका लेंथ है वो 4500 mm, विड्थ 2099 mm और जो इसकी हाइट है वो 1710 mm है। वही इस कार में आपको 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है एंड इस कार में आपको 52 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिलने वाला है। इस कार में आपको बेसिक 580 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है लेकिन अगर आप बैक साइड की सीट को थोड़ा पुश कर देते हैं तो वो स्पेस बढ़ के 720 लीटर का हो जाएगा। वहीं अगर आप बैक साइड की सीट को टोटली फोल्ड कर देते हैं तो यही स्पेस बढ़ के 1630 लीटर का हो जाएगा। इस कार में 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील लगाया गया है, साथ ही इस कार के पहियों में आपको डिस्क ब्रेक भी मिलने वाला है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। C5 Aircross के साइड प्रोफाइल में देखें तो वहाँ पे ORVM, विटर्न इंडिकेटर, रूफ पे देखें तो आपको रूफ रेल और एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर, आपको इस कार में पैनारोमिक सनरूफ भी मिलने वाला है। तो आप चलती हुई कार में सनरूफ से आप अपना सर निकाल के ठंडी ठंडी हवाओं का मजा भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर के बारे में। तो इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको लग्जरियस फील देने वाला है। इस कार के डैशबोर्ड पे देखें तो वहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने के साथ साथ एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करेगा। वहीं अगर उसके बाजू में देखें तो वहाँ पे 12.3 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही इस कार की जो स्टेयरिंग व्हील है वो टिल्ट एडजस्टेबल है और इस कार की स्टेयरिंग पे ही आपको ऑडियो एंड फोन कंट्रोल भी देखने मिल जाएगा। फ्रंट की रो में 2 सीट एंड बैक साइड की रो में 3 सीट अवेलेबल है, दैट मीन्स टोटल 5 सीटर कार होने वाली है। साथ ही जो ड्राइवर वाली सीट है उसको आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं एंड सेकेंड रो वाली जो सीट है उसे आप स्लाइड एंड फोल्ड भी कर सकते हैं। वहीं आपके कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए सारी सीटों में हेडरेस्ट भी लगाया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, इस कार में डबल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, 6 स्पीकर, एयर प्यूरिफायर एंड पावर विंडो के अलावा आपको इस कार में मल्टीपल कप होल्डर भी देखने मिलेंगे। साथ ही फ्रंट एंड रियर में AC विंड के साथ साथ
चार्जिंग पॉइंट भी आपके लिए लगाया गया है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट C5 एयरक्रॉस इंजन स्पेसिफिकेशन, तो ये कार आपको 2.0 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आने वाली है, जो कि आपको 174 bhp की पावर एंड 400 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। एंड ये कार आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। साथ ही कंपनी का दावा है कि ये कार आपको 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। यहाँ अब अगर हम बात करें कि इस कार में किन किन टाइप के सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं, तो पहला सेफ्टी फीचर इस कार में 6 एयरबैग आपको मिलने वाले हैं, दूसरा ABS विद EDB भी इस कार में अवेलेबल होने वाला है, तीसरा इस कार में आपको फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर के साथ साथ कैमरा भी आपको इस कार में मिलने वाला है, तो आपको आपकी गाड़ी पार्क करने में बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा इस कार में टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर आपको मिलने वाले हैं। एक और सेफ्टी फीचर इस कार में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का भी मिलने वाला है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग होता क्या है, तो इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखिए। अब अगर एट द एंड हम इस कार के लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस कार को मार्च 2021 में लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्दी इसका डेट भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा और इस कार को सबसे पहले अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई एंड कुछ जैसे शहरों में सेल किया जाएगा। सीट्रोन C5 एयरक्रॉस का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 25 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच में होने वाला है। एंड इस कार के साथ आपको 3 ईयर एंड 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलने वाली है। एंड इस कार को आप 7 कलर ऑप्शन के साथ परचेस कर सकते हैं, जिसमें से 4 सिंगल टोन कलर ऑप्शन है एंड 3 डबल टोन कलर ऑप्शन है। तो जो सिंगल टोन कलर ऑप्शन है वो कुछ इस तरह है, वाइट, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, जबकि डबल टोन कलर ऑप्शन जो है वो ग्रे विद ब्लैक रूफ, व्हाइट विद ब्लैक रूफ एंड ब्लू विद ब्लैक रूफ है। एंड C5 एयरक्रॉस जो है वो कम्पीट करेगी हुंडई टैक्सन, जीप कैंपस एंड फॉक्सवैगन के टाइगन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस कार के बारे में, इसकी प्राइस को लेकर के आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये कंपनी इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके ऊपर भी आप अपनी राय जरूर रखें। वैसे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन तो प्रेस कीजिएगा ही, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। साथ ही लगा हुआ बेल का आइकन भी प्रेस कर दे, उससे होगा ये कि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर आप कार, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vehiclesmafia.com पे विजिट करके वहाँ इनके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।